मसीह समाज के सभी बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप जानते हो कि आजकल मसीह समाज के जो पास्टर साहिबान है और जो कलीसिया पर बहुत ही सताव हो रहा है, पर जो हम धर्म का प्रचार करते हैं ये बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है। अगर हम अपने संविधान में देखें तो कहीं पर भी इसको गैर कानूनी नहीं माना गया, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में देश के हर एक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया गया है और वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। और आप इस न्यूज़ में भी देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि तमिलनाडु की सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। आप देख सकते हो, आप इसकी हेडिंग देख सकते हो, ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार करने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार करने में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिना कोई गैर कानूनी तरीका अपनाए धर्म प्रचार करने में कुछ भी गलत नहीं है। राज्य सरकार ने अदालत में इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत का संविधान लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने और अपना धर्म बदलने का अधिकार देता है। तमिलनाडु सरकार ने इस याचिका को धार्मिक भावनाओं से प्रेरित बताते हुए कहा है कि इसका मकसद ईसाइयों को निशाना बनाना है। डीएमके सरकार ने अदालत में कहा है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाए जा रहे कानूनों का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के खिलाफ किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार ने यह भी कहा है कि लोगों के पास अपना धर्म चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये सरकार के लिए सही नहीं होगा कि वह लोगों की व्यक्तिगत आस्था और निजता में दखल दे। अपने हलफनामे में सरकार ने कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 देश के हर नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। ऐसे में ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार को कानून के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये सभी को पता है और किसी प्रकार से यह गैर कानूनी नहीं है। और यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया है कि ये कुछ भी गैर कानूनी नहीं है अगर कोई अपने धर्म का प्रचार करता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आज इस भारत में जगह जगह पर मसीही लोगों पर, पास्टर्स पर, प्रभु के दासों पर बहुत सा सताव हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उन सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी बचाए जाएं। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के कारण, उसके राज्य के कारण सताए जा रहे हैं, प्रभु के दास और मसीह कलीसिया। आप उन सबों के लिए, हम सभी उन सबों के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन पर दया करें और जो लोग सताते हैं उनका भी मन परिवर्तन हो और वो भी प्रभु को जान सकें और उद्धार को पा सकें। तो इसलिए मेरे प्रियो, सभी निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और मसीह में बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें।